हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ममता। ममता किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूं उपमा की रेसिपी। आप सभी ने उपमा तो बहुत ही खाया होगा, लेकिन इस तरह का उपमा नहीं खाया होगा। आप इस उपमा को ब्रेकफास्ट में बहुत ही आसानी से बनाकर खा सकते हैं, इसलिए उपमा की इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये टेस्टी और हेल्दी उपमा बनाना। उपमा बनाने के लिए मैंने यहाँ ये कढ़ाई ली है। कढ़ाई के गर्म होने पर हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच देसी घी। घी गर्म हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच राई। अब हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच उड़द दाल, साथ ही डाल देंगे 1 छोटा चम्मच चना दाल। इसे हम मिक्स कर लेंगे और इसमें डाल देंगे 1 कप सूजी। और इसे हम मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे, फ्लेम को हमें लो मीडियम ही रखना है और इसे लगातार चलाते रहेंगे। सूजी को लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक सेक लेना है। 2 मिनट तक हमने सूजी को पका लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 5 से 6 कड़ी पत्ता। मैं यहाँ फ्रेश कड़ी पत्ता डाल रही हूँ। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 बारीक कटा हुआ प्याज और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही डाल देंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। मिर्च को आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ लाल मिर्च नहीं डाल रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ 2 हरी मिर्च डाली है। प्याज और हरी मिर्च डालने के बाद मैंने इसे 2 मिनट तक पका लिया है और अब इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और आप देख सकते हैं इसका हल्का सा कलर भी चेंज हुआ है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 कप दूध। हमने 1 कप सूजी ली थी, तो हमें 3 कप दूध लेना होगा। आप चाहे तो आधा दूध और आधा पानी भी डाल सकते हैं। दूध डालने के तुरंत बाद ही हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1/2 छोटा चम्मच चीनी। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यकीन मानिए, अगर आप इस तरह से उपमा बनाएंगे तो आपका उपमा भी बहुत ही टेस्टी बनेगा और सभी को बहुत पसंद आएगा। ये देखिए, ये उपमा बनकर तैयार है। ये उपमा बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनता है। तो देखा आपने कितनी आसानी से ये टेस्टी और हेल्दी उपमा बनकर तैयार हो गया है। गैस की फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगी और अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी कद्दूकस किया हुआ फ्रेश नारियल। आप इसकी जगह खोपरे का भी यूज कर सकते हैं, उसका भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम इस उपमा को 5 मिनट के लिए ढककर सेट होने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, प्लेट को हम हटा लेते हैं। ये देखिए, उपमा बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। ये उपमा खाने के लिए तैयार है। इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि ये उपमा बहुत ही आसानी से बन जाता है। आज अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना अनुभव मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।